बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कीमा कबाब। हाफ टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसमें 200 ग्राम बीफ का कीमा डालेंगे, एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून नमक। चूल्हे को मीडियम टू हाई रखेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। 4 मिनट के बाद आधा कप पानी डालेंगे। चूल्हे को कम कर देते हैं और इसको 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 8 मिनट गुजर गए हैं। अब हम चूल्हे को मीडियम कर देते हैं और इसको ऑयल अलग होने तक भून लेंगे। कीमे को मैंने भून लिए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कीमा ठंडा हो गया। अब हम कबाब का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तैयार किया हुआ कीमा बाउल में डालेंगे। मैंने 350 ग्राम आलू लेके इनको उबाल के कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश की हुई एक गाजर, 1/4 कप बंद गोभी, 1/4 कप शिमला मिर्च, दरमियाने साइज़ का एक प्याज, 2 सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून अनारदाने का पाउडर, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़ायका। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि कीमे में भी डाला हुआ था। इनको मिक्स करेंगे। एक अंडे को फेंट लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेके कबाब तैयार करेंगे और अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल गर्म हो गया। चूल्हा मैंने मीडियम लो रखा हुआ है। कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल कीमा कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।